तो आ गया, चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर एलेक्स, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस केदारकंठा ट्रैक का? तो मैं सच बताऊँ तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थोड़े अपने पैसे की बचत करने के चक्कर मिस कर दी, जैसे कि समिट, क्योंकि मेरे पास जो शूज थे। और लेट मी गेस, क्योंकि आप अपने व्यूअर्स के लिए एक बजट ट्रिप दिखाना चाहते थे इसलिए। हाँ, कह सकते हैं दोनों ही चीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी बजट ट्रैवलर हूँ, मैं वैसे ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। और मैं जब उस ट्रिप को वैसे ही रखना चाहता था पूरे टाइम, पर मैंने रियलाइज करा कि उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें असेंशियल है बजट ट्रिप होने के बावजूद भी, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर आप अवॉइड करते तो आपका एक्सपीरियंस पूरा ही बदल जाता है और आप कुछ मिस भी कर सकते हो। तो ये मैं सीखा इस ट्रिप पे। तो मैं बेस कैंप तक तो गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू, लेकिन समिट मेरा रह गया शूज़ की कमी के कारण। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया। बट फिर भी आप मतलब एज अ ट्रैकर या फिर एज एन एक्सप्लोरर, आप आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहेंगे खुद को इस ट्रिप को? हाँ, इस ट्रिप को अगर मैं लाइक अपने पर्सपेक्टिव से देख के बोलूँ तो मैं 7 दूंगा, कि जिस हिसाब से मैंने इन्जॉय किया है और जिस हिसाब से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। पर अगर मैं लाइक ओवरऑल केदारकंठा को वो करके बोलूँ तो मैं 9/10 दूंगा। नाइस। चलिए, आगे भी आपसे बात होते रहेगी। थैंक यू। ओके, श्योर। कैसे थे गुलाब जामुन? 10 रुपए। 10 रुपए? 20 रुपए? 10 रुपए 20। 10 रुपए। गर्म है ना? जी। दो लगा। दो। पहले एक एक ही दो भाई। एक एक।
बताओ भाई लोग खा के क्या है। बढ़िया तृप्ति मिल गई है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हम वापस आ रखे हैं डॉर्मेट्री पे जहाँ पे हम रुके थे। ठीक है, सामान सारा रेडी हो गया है। ये भाई हमें मिले थे वहाँ पे ट्रैक पे, यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो काफी सारे लोग हमें डॉर्मेट्री पे मिल गए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, जो भी केदारकांड ट्रैक के लिए जाते हैं, हरकीर्तन ट्रैक के लिए जाते हैं। तो चांद से जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमें दोबारा मिल गए। तो ये डॉर्मेट्री है, कुछ ऐसे दिखती है। जब आया था तब आपको दिखा नहीं पाया था प्रॉपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैग रखे हैं मेरे, रेडी है सब कुछ, एंड बस निकलने की तैयारी में है, चेकआउट करेंगे। तो मेरा भी प्लान है कि थोड़ा सा बैग में रखूँगा बाहर, और यहाँ पे एक टेंपल है गौतम बुद्ध टेंपल, वहाँ पे जाऊँगा और वो टेंपल विजिट करने के बाद में, एक्सप्लोर करने के बाद में फिर मैं निकलूँगा ऋषिकेश के लिए, आइदर हिच हाइकिंग करके उस लोंडे के साथ में या फिर बस में। ठीक है, तो वो देखेंगे बाद का, पहले टेंपल जाना है, यही टारगेट है। तो चलते हैं गाइस। और ये हमारे निखिल भाई, इनका भी कोई प्लान नहीं पता है, पर हाँ फिर कभी ना कभी मिलेंगे साथ में जरूर। अब ट्रिप में तो इनका मन नहीं है, कहते हैं कि सोलो ट्रिप करते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, तो इनके घर ही जाना पड़ेगा मिलने के लिए अच्छे से। चलो गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं। सो गाइस अभी हम हैं होटल एमबीसी की छत पे, एंड ये कुछ व्यू दिखते हैं यहाँ से आसपास का, और मोस्टली मतलब घर ही दिख रहे हैं क्योंकि लाइक बाजार के बीच में, ये आसपास जितना भी एरिया दिख रहा है आपको ये पलटन बाजार है, और इसी के बीच में हम हैं। ठीक है, मैं आपको होटल का भी थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा। जहाँ हम रुके थे वो डोरमेट्री थी, बट इसके साथ में होटल भी कनेक्टेड है, तो उसको आप दिखाएंगे। नीचे उतरते हैं, दिखाते हैं। टॉवल लेने आए थे हम, वैसे मुझे नीचे से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए बट तब मैंने सोचा नहीं रिकॉर्ड करने का, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने चलो ये भी रिकॉर्ड करके आप दिखा देते हैं। सो ओवरऑल बहुत ही सही थे, बना रखा है कुछ जगह का, स्पेस का सही से यूज़ किया गया, जैसे कि यहाँ पे रूम है, ये रूम है। ठीक है, ये रूम जो है होटल के हिसाब से जैसे रूम है, पूरे आपको रूम मिलेंगे काफ़ी अच्छे से, उनको मतलब डेकोरेट करें, आसपास गार्डन है, ग्रीनरी है, प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का अंदर से रूम दिखता है, बेड लगा हुआ है, वॉशरूम है, और यहाँ टीवी लगा हुआ है, सब है। ठीक है, ज़्यादा हम खरीद हो गए नहीं भाई, हमारा रूम नहीं है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि गार्डन जो है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा गार्डन का पॉइंट है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हो, गप शप कर सकते हो, पूरा ग्रुप यहाँ बैठ के चिल आउट कर सकता है अच्छा से। इसके अलावा दो तीन रूम इस साइड पे ऐसे ही हैं, रूम लगभग लगभग एक जैसे, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, ये भी हम आ गए हैं नीचे, आई थिंक अभी भी एक फ्लोर और नीचे है, ये फर्स्ट फ्लोर है, रूम्स वगैरह पूरे जो भी डिज़ाइन किया गया है सब में ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि रूम्स भी हों और आसपास ग्रीनरी भी हो। ठीक है, सो आप कुछ मिस आउट ना करें। ठीक है, और एसी टीवी सब कुछ जो भी कुछ चाहिए होता है प्रॉपर होटल रूम में वो सब कुछ यहाँ पर है, और आसपास आपको पेंटिंग्स लगी हुई थी तो बहुत बढ़िया, इसका प्लस पॉइंट है। तो हम आ गए वापस नीचे रिसेप्शन की ओर। ठीक है, ये आप देख सकते हो रिसेप्शन, यहाँ पे आपने पहले दिन आके खाना वाना खाया था थोड़ा। सो अब हम चलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। ठीक है गाइस, अभी निकल चुके हैं हम अपने होटल से, होटल एम्बेसी से। बुद्धा टेम्पल जाने का प्लान था बट पता चला कि बुद्धा टेम्पल इस वक्त बंद है, कोविड के पास से ही बंद हो रखा है। तो अभी यहाँ पे एक कॉस्मेटिक की शॉप पे रुके हैं, जो फ्रेंड्स को सामान ले रहे हैं, और मुझे चाहिए दो चीज़ें, एक स्क्रू चाहिए है
जो गिम्बल का मेरा एक पार्ट था जिससे मैं कैमरे को उस पर लगा पाता था, उसका स्क्रू टूट चुका है, तो मैं कैमरे को ट्राइपॉड पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, हमें जूते ठीक कराने, जूते ठीक कराने का काम बाद में कर सकते हैं, बट वो स्क्रू हमें जितना जल्दी मिल जाए उतना बेटर है हमारे, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब प्लेन सरफेस पे मैं गिम्बल के साथ ही रिकॉर्ड करूँगा, पर अभी गिम्बल का काम नहीं हो पाएगा जब तक वो स्क्रू ढूंढेंगे। अभी हम देखते हैं किस शॉप पे मिल जाएगा, जैसे मिलेगा तो हमारा एक काम एटलीस्ट हो जाएगा। और फिर हमारा अभी डेकथलॉन जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ सामान लेना है, मैं भी देख लूँगा कुछ काम का हो तो मैं भी ले लूँगा, नहीं तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश आगे, इधर हिचहाइक करके या बस लेके, वो देखेंगे एक क्या हालत होगी, अभी चल के वहाँ तक जाते हैं ये ऑटो करने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डेकथलॉन, ठीक है, मोटो से जा रहे हैं मैं, आकाश और निखिल भाई, ठीक है। अभी रास्ता थोड़ा बहुत रोड ब्लॉक्स है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं, फिर डेकथलॉन लोग पहुँचेंगे, वहाँ पर देखते हैं कैसा रहता है, क्या सीन रहता है। लेकिन आज रश नहीं दिखा हमें सड़कों पर, नॉर्मली ट्रैफिक है, तो रास्ता वैसे बंद कर रखा होगा, टोक लगा के जो भी, देखते हैं आगे चल के कैसा रहता है। गाइस अभी हम खड़े हैं डेकथलॉन के बाहर, मैं और आकाश, और कोशिश हमारी अभी थी हिचहाइक करने की, पर इन साहब का मन नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे अभी तक कोई गाड़ी रुक भी नहीं रही है, तो अभी एक बस आ रही है और बस वगैरह बैठे हैं लेके। ऋषिकेश, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश की बस मिल गई थी अभी देहरादून से, एंड ये भाई तो हिचहाइक तो हमें कर नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन ये नवाब जी पहले ऋषिकेश जाएंगे मेरे साथ, थके पड़े हैं वही तरह, देखो क्या हालत रखी, और उसके बाद जैसे ऋषिकेश के बस स्टैंड में पहुँचेंगे वहाँ से हरिद्वार की बस पकड़ें, तो जनाब हरिद्वार की बस यहाँ से लेने के बजाय साथ में चलती है, दिमाग नहीं चल रहा अभी बिल्कुल, इतना थका पड़ा है, तो अब वहाँ पर जाके फिर स्विच करके हरिद्वार निकलूँगा और मैं पहुँचूँगा सीधा अपने बुआ के घर में ऋषिकेश सदर के पास, ऋषिकेश एक्सप्लोर करूँगा फिर हम लोग। तो चलते हैं अभी, अभी बड़ा लाइक अभी तक का सबसे कंफर्टेबल बस का सफ़र चल रहा है, नहीं तो दो तीन दिन से जितने भी बस के सफ़र करे थे ट्रैक के लिए, सांकरी से देहरादून से सांकरी, और इसमें हालत खराब हो गई, क्योंकि बहुत सिंपल था, बहुत प्यारा सफ़र लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता, 12 घंटे का सफ़र किए उससे एक दिन पहले जनाब ने लाइक 19 किलोमीटर चले हैं, सबमिट करके नीचे उतर के आएंगे पूरा का पूरा एक बार ये ऑटो खिलवाई है, तो सबकी हालत खस्ता है, मैं तो कम चला हूँ, मेरे पैरों में थोड़ी बहुत चोट वोट लगती है, और गिरा हुआ और शायद हो सकता है उससे पैर स्लिप हो गया, और थोड़ा सा पहले की भी थोड़ी चोट थी, तो दोनों की वजह से पैर जैसा, पर हाँ ओवरऑल थोड़ा सा सही रहा, अच्छा ट्रैक करते रहने चाहिए साल भर में, ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता रहना चाहिए, तो बॉडी को भी ऐसे थोड़े झटके देते रहने चाहिए कि भैया अभी तुम जवान हो, तो ये सब चीज़ें ट्राई करते रहो। तो चलते हैं आगे गाइस, तो देखते हैं क्या होता है।
तो गाइस अभी आ चुके हम ऋषिकेश, ठीक है, एंड ऋषिकेश बस स्टैंड से आगे आ चुके हैं। ऋषिकेश बस स्टैंड पे हमें दो लोग मिले थे जो कि जा रहे थे ओली जोशीमठ, और उनसे मैंने बात बात करी कि क्या प्लान है उनका, कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा खर्चा वर्चा बताया कितना उनका प्लान है और क्या क्या खर्च हो सकता है, तो मुझे सही लगा। सो मैं भी मैं आगे जोशी ओली मठ जाऊँ। एक चीज़ अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर, उनसे बात बात हो गई है। अगर जोशी ओली मठ के लिए मुझे कल निकलना होगा तो मुझे सुबह 5:30 बजे निकलना होगा। अभी तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, पहले घर जाता हूँ बुआ के, फिर बात करेंगे आगे को क्या करना है। और ये बस स्टैंड से आगे का रास्ता है, हमें जाना है इस तरफ से, ठीक है, यहाँ पे जाना है तपोवन की तरफ। तो नॉर्मली लाइक 100 रुपये लेते हैं यहाँ से, अगर 100-150 रुपये लेते हैं डायरेक्ट अगर मैं बस स्टैंड से जाऊँ तपोवन लक्ष्मण झूला की तरफ। और अगर शेयर ऑटो में लेते हैं तो उसका 20-30 रुपये लेता है, और उसके लिए शेयर ऑटो में बैठे होने चाहिए लोग। तो देखते हैं चलते हैं, अभी तक तो कोई मेला नहीं है सब शेयर ऑटो जिसमें लोग बैठे हों। तो आई थिंक सड़क के एंड में कॉर्नर में हमें मिलेगा टी पॉइंट पे, तो आगे बढ़ रहे हैं फिर देखते हैं।